Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, फॉल सीलिंग करना क्या इतना जरूरी है? अगर आप चाहते हो खुद के घर को थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइन करना, इंटीरियर डेकोरेशन करना, और आपके बजट कम है या आप नहीं चाहते हो फॉल सीलिंग करना, नहीं चाहते हो, तब भी आप सोच में हो कि फॉल सीलिंग करूं या ना करूं, तो क्या इतना जरूरी है इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फॉल सीलिंग करना? फ्रेंड्स, आई एम श्रेयसी, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। मेरे एफबी पेज पर आप जाओ तो आपको मेरे जो हर जो प्रोजेक्ट पर काम चलते हैं उसके छोटे छोटे अपडेट्स आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे एफबी पर भी फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल में थोड़ा बहुत स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, यानी कि थोड़ा बहुत ब्यूटी रिलेटेड वीडियोज भी आते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो है फॉल सीलिंग के ऊपर। क्या फॉल सीलिंग करना इतना नेसेसरी है? अगर आप चाहते हो खुद के घर को, खुद के लिविंग एरिया या खुद के आपका मकान हो या फ्लैट हो, उसको उसके इंटीरियर डेकोरेशन करना, तो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फॉल सीलिंग बिल्कुल मस्ट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपके बजट कम है तो आप मत करो, मत जाओ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पर जाती हूँ, बहुत सारे क्लाइंट लोग बोलते हैं कि मैं फॉल सीलिंग करना नहीं चाहती, तो इट्स ओके, मत करो। फॉल सीलिंग में जो स्ट्रक्चर बनता है फ्रेंड्स, उसमें जितना आपका जो बजट आएगा उससे भी ज़्यादा बजट आते हैं केबल पर, यानी कि इलेक्ट्रिक पार्ट पर ज़्यादा बजट डालना पड़ते हैं, अच्छा खासा रकम इसमें आ जाते हैं। लाइट्स के ऊपर जो लाइट्स लगाना चाहते हो, जिस तरह लाइट्स लगाना चाहते हो, कौन से ब्रांड यूज़ करना चाहते हो, उसके साथ साथ बहुत सारे केबल की वायरिंग जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाते हैं, तो आप मत करो। अगर आपके बजट कम है, आपकी नेसेसरी नहीं है, तो कम मत करो। फिर भी आप इंटीरियर को अच्छे खासा डेकोरेट कर सकते हो। ये जो मेरे लिविंग एरिया में आप सबसे शेयर किया, तो लिविंग एरिया में आपने देखा, मैं खुद नहीं किया, खुद में फॉल सीलिंग नहीं किया, तो इतना बुरा लग रहा था क्या मेरा जो ये जो लिविंग एरिया है, कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ, कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि फॉल सीलिंग नहीं किया तो कुछ कम डेकोरेशन वाली पार्ट जो है कुछ कम कम लग रहा है, तो जो है मुझे कमेंट करके बताओ। तो इंटीरियर को थोड़ा सा डिजाइन करना, डेकोरेट करना, तो आपको जिस पार्ट पर फोकस करना है, ये वो है आपके खुद का मकान है या आपका फ्लैट है, तो उसका जो गेटअप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो स्पेस आपको मिल रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। आप कितना यूज कर सकते हो तो एक एक कॉर्नर को आप ठीक से यूटिलाइज करो। जैसे कि फ्रेंड्स, आज के दिन में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस किसी के पास नहीं होता है, आपके खुद का मकान हो या आप फ्लैट में रहते हो तो स्पेस कम हो गया है, तो स्पेस को किस तरह यूज़ करना है, और आपके हर रोज़ की जो चीज़ें ज़रूरत होता है, हर रोज़ जो चीज़ें ज़रूरत पड़ता है, आप बाहर जाते हो या बाहर से आ रहे हो, जो चीज़ें आपको ज़रूरी है, इस टाइप की जो छोटे बड़े चीज़ें हैं वो एकदम से आपको सामने मिल जाए, यानी कि हर रोज़ आपको आसान हो स्पेंड करना, आपकी लाइफ स्पेंड करना आसान हो, इस टाइप की चीज़ें कहाँ रखना है इस बात की नॉलेज होना चाहिए। आपके जो मेन गेट होगा, मेन गेट के आसपास के जो वॉल है या किस तरह उसकी जो स्पेस किस तरह की है, तो उसको किस तरह आपको डिज़ाइन करना है, इस बात की नॉलेज होना चाहिए। तो आप हर एक पार्ट को, वॉल को अच्छे से यूज़ करो, जो आप प्लाई की बनाना चाहते हो, वार्डरोब वगैरह बनाना चाहते हो, सारे जो आप यूनिट्स बनाना चाहते हो उसको आप ठीक से यूनिट्स को बनाना आपको ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जो फर्नीचर आएगा वो फर्नीचर में कलर कॉम्बिनेशन ठीक से होना ज़रूरी है। वॉल में आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल्ड कलर मत यूज़ करो, क्योंकि आज के दिन में अगर आपके छोटे स्पेस छोटे है तो बोल्ड कलर यूज करना एकदम से ठीक नहीं है। आपके जो स्पेस छोटे है तो उसको और भी ज्यादा नैरो लगेगा दिखने में, तो आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रल कलर यूज करो, तो न्यूट्रल कलर यूज करने से स्पेस थोड़ा बड़े लगते हैं, और उसके साथ साथ आप बहुत सारे जो कलर्स है उसको मिक्स मैच करो तो देखने में ज्यादा अच्छा लगते है देखने में। यूनिट्स वगैरह बना लिया, लिविंग एरिया हो या आपके बेडरूम में वार्डरोब आएगा, तो जितना सारे सामान आपको करना है उसकी डिजाइन आप करो। आपके घर में जो जो सामान आप ज़्यादा यूज़ करते हो, डेली के डेली जो सामान ज़्यादा यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको डिज़ाइन करना है, यानी कि कितना ज़्यादा ड्रॉर्स रखना है, कहाँ पर ड्रॉर्स देना है, कहाँ पर ओपन स्पेस देना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को आपको क्लोज करना है, कवर करके रखना है, तो इस तरह आपको डिज़ाइन करना है।
ऐसे डिजाइन करो कि आपके जो जो जितने सारे जो यूनिट्स बन रहे हैं बेडरूम में, बेडरूम्स बन रहे या जो आप बनाना चाहते हो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, स्पेस ज़्यादा हो, तो इस टाइप के आपको डिज़ाइन करना है। उसके बाद आते हैं कलर्स की बारी, यानी कि बहुत सारे जो सामान होगा, घर में कितने सारे सामान रहते हैं, सोफा रहते हैं, वॉल में आपको पेंटिंग डालना है, कितने सारे लाइट्स आया है वॉल में रखने के लिए, डेकोरेटिंग लाइट्स आया है। आप फॉल सीलिंग नहीं किया तो कोई बात नहीं, बहुत सारे डेकोरेटिंग लाइट्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड की है, तो एक दो आप उसको खरीद सकते हो, वॉल में लगा सकते हो, उसमें भी गेटअप बहुत बढ़िया आते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर मेरे चैनल में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएगा। अगर आप नए हो मेरे चैनल में, अभी तक मेरे वो पुराने वाले वीडियोस नहीं देखा, तो आप जाकर देखो, वहाँ पर बेडरूम के लिए मैं बहुत सारे बेडरूम्स और कलर कॉम्बिनेशन, कर्टेन का कलर कॉम्बिनेशन, लिविंग एरिया के बाद तो कलर कॉम्बिनेशन, वार्डरोब में आप जो सनमाइका यूज़ करोगे तो सनमाइका की कोट क्या होगा, कौन से सनमाइका के साथ कौन सी सनमाइका, यानी कि दो सनमाइका भी यूज़ करना चाहते हो दो कलर में तो क्या क्या होना, दो सनमाइका क्या क्या कलर कॉन्ट्रास्ट हो तो अच्छा होगा, उसके साथ आपके वॉल कलर कैसा होना चाहिए, उसका कोट, तो कोट के साथ बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएगा मेरे चैनल में। किचन के ऊपर भी है कोट के साथ फ्रेंड्स, तो आप उसको फॉलो करो, इससे क्या होगा आपको बहुत सारे आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं इस वीडियो में बोल रही हूँ, इतना ज्यादा बोलना पॉसिबल नहीं होगा, मैं जस्ट एक बोल रही हूँ क्योंकि ये जो आज के जो वीडियो है फॉल सीलिंग के ऊपर है, तो ये बोलना चाहते हो कि फॉल सीलिंग इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं है डिजाइन के लिए। तो आपको फोकस कैसे करना है, आपका जो थिंकिंग है वो कैसे आपको थिंकिंग करना है, अगर आप चाहते हो इंटीरियर को थोड़ा सा अच्छा बनाना, तो ये थिंकिंग के लिए, ये सोचने के लिए आपको मेरे कुछ वीडियोस देखना है, इससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। जो लिविंग एरिया है मेरे, मैं और एक चीज यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, आप देखो यहाँ पर आगे है मेरे जो डाइनिंग टेबल है फ्रेंड्स, यहाँ पर डाइनिंग टेबल है और यहाँ पर मेरे मेन गेट है, तो मेन गेट आप देख सकते हो यहाँ पर है, तो एकदम से फ्रंट में मेन गेट से आकर ही आपको मिल जाएगा डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया को थोड़ा सा हाइट अगर आप करना चाहते हो तो किस तरह कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो ये जो आप मैंने किया ये प्लाई का ही है और मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग कर्टेन डाला। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस कर्टेन को, जैसे कि यहाँ पर आपको देख सकते हो इसको बांध कर रख दिया, तो इसको ओपन करके आप इसको घुमा सकते हो, एकदम से इस तरह घुमा सकते हो। यहाँ पर देखो देख रहे चैनल आपको देखने को मिल जाएगा व्हाइट कलर की, तो इस तरह के चैनल है, तो इसके ऊपर भी एक शॉर्ट वीडियो है आप देख सकते हो, तो इस तरह भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो देखो ये भी कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो इतना ही था, फॉल सीलिंग के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल में, आप उसको भी फॉलो करो, और आपको कुछ पूछना है कुछ जानना है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे एफबी पेज आप ज़रूर ज्वाइन करना अगर आपको इंटीरियर की बात जानना है, 3D डिज़ाइन के ऊपर जानना है, तो आप मेरे एफबी पेज पर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आपको छोटे छोटे अपडेट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल, ओके बाय।